पितर पक्ष में श्राद्ध करते समय करें ये काम, नाराज पितर हो जाएंगे खुश, आपको कर देंगे माला माल। पितर पक्ष में श्राद्ध तर्पण और पिंडदान का एक अपना अलग ही महत्व होता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दौरान पितर पक्ष की शुरुआत होती है। पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध 29 सितंबर को होगा और इसका समापन पितर अमावस यानी 14 अक्टूबर की होगी। पितर पक्ष में पूर्वजों की मृत्यु की तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध किए जाने की परंपरा है। जिस जातक के पूर्वजन की मृत्यु हो गई है उन्हें पितर की मृत्यु का निर्धारित समय पता नहीं है, तो ऐसे में जातक सर्व पितर अमावस के दिन पिंडदान कर सकते हैं। बता दें कि श्राद्ध पक्ष पितरों के लिए समर्पित होती है। आइए जानते हैं कि इस साल कब और कैसे तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। आइए पहले जानते हैं तर्पण के प्रकार कौन कौन से हैं इस वीडियो के माध्यम से। सामान्य शब्दों में कहें तो तर्पण करने की क्रिया को तर्पण कहा जाता है। पितरों के लिए किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध तथा तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार तर्पण के 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1 देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मानव तर्पण, दिव्य पितर तर्पण, यम तर्पण। नंबर 6 मनुष्य पितर तर्पण। आइए अब जानते हैं कुछ खास नियमों के बारे में। श्राद्ध का भोजन पूरी शुद्धता से बनाना चाहिए। भोजन बनाने से पहले किचन और गैस को अच्छी तरह से साफ कर ले। भोजन में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं श्राद्ध का भोजन ब्राह्मणों को कब करना चाहिए। श्राद्ध का भोजन ब्राह्मणों को हमेशा सूरज चढ़ने के बाद करवाइए। माना जाता है कि सूर्य की किरणों से ही हमारे पितर भोजन को ग्रहण करते हैं। ऐसे में सूर्य का प्रभाव जितना अधिक होगा पितरों को भोजन उतने अच्छे से मिल पाएगा। और इन बातों का विशेष ध्यान रखें, ब्राह्मणों को भोजन जब तक न करा दे तब तक स्वयं भी भोजन न करें। ये आपके पितर के प्रति आपकी श्रद्धा को व्यक्त करता है। इसके अलावा ब्राह्मणों को भोजन करवाते समय मौन रहे। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इशारा में कहकर ही मंगवाए। श्राद्ध का भोजन प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। श्राद्ध का भोजन प्रसाद की तरह होता है, इसमें कोई कमी नहीं निकालनी चाहिए। ब्राह्मण को भोजन करवाते समय भी उससे ये न पूछे कि भोजन कैसा बना। ब्राह्मण भोज के बाद आप स्वयं भी उसे प्रसाद के तौर पर ग्रहण कर रहे। आइए जाने कुछ महत्वपूर्ण बातें के बारे में। अब वो कौन कौन सी है महत्वपूर्ण बात इसमें जानते हैं। श्राद्ध का भोजन या 2 पत्तल में खिलाइए या चांदी कांसे के बर्तन में खिलाइए। कांच या मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद उसे श्राद्धानुसार दान दक्षिणा जरूर दें और चलते समय पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लेवे। और यह काम जरूर करें, ब्राह्मण भोज को कराने के बाद पितरों को मन में याद कर भूल चूक के लिए क्षमा याचना जरूर करें। इसके बाद अपना व्रत खोलें और प्रसाद ग्रहण करें और पूरे परिवार को करवाएं। रात के समय दक्षिणा दिशा में पितरों के नाम का सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाइए और इस विधि से मिलती है पितरों की आत्मा को शांति। दोस्तों, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक लाइक करें। जिस दिन श्राद्ध करना है उस दिन स्नान करने के बाद पूरे घर की साफ सफाई करें। घर में गंगा जल और गौमूत्र भी छिड़कें। इसके बाद दक्षिण दिशा में मुँह कर बाएं पैर को मोड़कर और बाएं घुटने को ज़मीन पर टिका कर बैठ जाए। इसके बाद तांबे के चौड़े बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और पानी डालें। उस जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इस तरह 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान जरूर करें।
आइए अब जानते हैं पितृपक्ष में श्राद्ध की विधि। नंबर एक, महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाए। ध्यान रखें कि भोजन बनाते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। नंबर दो, अब आप किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को न्योता देकर बुलाइए, ब्राह्मण को भोजन करवाइए और नियमित ब्राह्मण के पैर धोकर कुछ चीज़ों का दान अवश्य जरूर करें। ऐसा करते समय पत्नी आपके दाहिनी तरफ होना चाहिए। नंबर तीन, आपको इस बात की भी विशेष ध्यान रूप से रखने की ज़रूरत होगी कि ब्राह्मणों या किसी गरीब को भोजन परोसते समय पसंद होकर ही भोजन परोसे। भोजन उपरांत यथाशक्ति दक्षिणा या अन्य सामग्री दान करें। आइए अब जानते हैं पितृपक्ष में श्राद्ध करने के नियम। नंबर एक, पितरों के नियमित अग्नि में गाय के दूध से बनी हुई खीर अर्पण करें और ब्राह्मण को भोजन से पहले पंचबली यानी गाय, कुत्ते, देव, कुए, देवता और चींटी के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकालें। अन्यथा कि पितर इन्हीं पांच रूपों में धरती पर आते हैं और अपने संतानों को आशीर्वाद देते हैं। दक्षिण दिशा में मुँह कर कुछ जो तिल, चावल और जल लेकर संकल्प करें और एक या तीन ब्राह्मण को भोजन कराइए। इसके बाद भोजन थाली या पत्ते पर ही ब्राह्मणों हेतु भोजन परोसे। आइए अब जानते हैं पितृपक्ष में किस चीज़ का दान करना चाहिए। नंबर एक, गो, भूमि, तिल, श्रवण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी तथा नमक का दान करें। शास्त्र में इसे महादान कहा गया है। इसके बाद नियमित ब्राह्मण की चार बार प्रतिक्षणा करें, आशीर्वाद लें। ब्राह्मणों को चाहिए कि स्वास्तिक वाचक तथा वैदिक पाठ करें तथा गृहस्थ पर पितर के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। पितृपक्ष के दौरान आपको इन बातों का भी ध्यान रखने की जरूरत होगी कि श्राद्ध में सफ़ेद मूली का ही उपयोग करें। श्राद्ध करने के लिए दूध, गंगा जल, शहद, कपड़े, सफ़ेद कपड़े, अभिजीत मूर्ति और तिल मुख्य रूप से जरूर करें। पितृपक्ष में इन बातों का भी ध्यान जरूर रखें। पितृपक्ष में श्राद्ध करते समय यदि कोई भिक्षु आ जाए तो उसे आदरपूर्वक भोजन करवाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देता है उसका श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता है, उसका फल भी नष्ट हो जाता है। शाम के समय न करें ये श्राद्ध। शुक्ल पक्ष में रात्रि में और ऐसे दिन जब दो तिथियों का योग एक ही दिन हो रहा हो तथा अपने जन्म पर कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय राक्षसों के लिए होता है। यह समय सभी कार्यों के लिए निदित है, अतः शाम के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। पितरों का पसंदीदा भोजन, पितरों का पसंद का भोजन दूध, दही और घी और शहद के साथ अन्न से बनाए गए पकवान जैसे खीर आदि है। इसलिए ब्राह्मणों को ऐसा भोजन कराने का विशेष ध्यान रखें। तैयार भोजन में से गाय, कुत्ता, कौवा, देवता और चींटी के लिए थोड़ा सा भाग जरूर निकालें। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत, फूल और तिल लेकर ब्राह्मणों से संकल्प लेवें। पितृपक्ष में भोजन के नियम कौन कौन से हैं? पितृपक्ष में कुत्ते और कौए के नियमित निकाला भोजन कुत्ते और कौए को ही कराए, किंतु देवता और चींटी का भोजन गाय को खिला सकते हैं। इसके बाद ही ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। पूरी तृप्त से भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगाकर यथाशक्ति कपड़े, अन्न और दक्षिणा देकर आशीर्वाद पाए। भोजन के बाद ऐसा विदा करें, ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान पूर्वक के साथ विदा करें करके आए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ पितरलोक भी चलते हैं। ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही अपने परिजनों और दोस्तों और रिश्तेदारों को भोजन अवश्य कराएं। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
वीडियो को शुरू से अंत तक देखे हो तो आपको जय श्री राम जरूर बोलें कमेंट बॉक्स में। जय श्री राम।